ओके नमस्कार मित्रों, आपण आता लेसन नंबर 4 आपण सारे 1 हा पाठ शिकणार आहोत। हा पाठ शिकण्याच्या आधी आपल्याला टेस्ट पेपर किंवा प्रॅक्टिस टेस्ट पेपर जी असणार आहे है ना, त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रभात या पोएमवरती जी मी काल शिकवली किंवा मागच्या लेक्चरला आपण पाहिली है ना, त्याच्यामध्ये ती प्रभात जी कविता आहे ती तुम्हाला येणार आहे आणि मी चित्रकार कसा झालो याचा एक पॅराग्राफ येईल, बरोबर आहे। त्याचबरोबर एकदम सोप्या पद्धतीने है ना कृती दिल्या जातील, कारण का 9-10 तुम्हाला कृतीच असणार, त्या कृतीवरती तुम्हाला काय करायचे त्या सगळ्या गोष्टी सोडवायच्या असतात। ओके, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द लक्षात घ्या, शब्द समोर एक शब्द है ना, अशाच पद्धतीने ग्रामर एकदम इजी इजी, किंवा वचन लिंग जर असेल तर ते, वाक्यप्रचार व त्याचा अर्थ एकदम सोपं आहे हां, त्यातलं पण एखादं आलं तर येईल, पण एकदम सोपा पेपर असणार आहे, कोणीही घाबरून जाण्याची किंवा काळजी म्हणजे काय टेन्शन घ्यायची गरज नाही, इझिली नीट रीड करा काय सांगितलं आहे आणि तशा पद्धतीने पेपर आपला द्यायचा आहे। राहिला प्रश्न लेसन नंबर 4 आपण सारे 1 हा आपल्याला पाठ आता शिकायचा आहे। प्रभा बैकर 1948 बरोबर आहे, लेखिका प्रसिद्ध लेखिका, त्यांची प्राजक्त पाकळ्या तिची गोष्ट हे लघुत कथासंग्रह, मनोगत दवबिंदू, झगमगणारे हे ललित लेखक संग्रह, पायी मी विसरभोळी हा विनोदी लेखसंग्रह, आनंद मिळा हा बालगीता संग्रह इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। बघा इथे खूप छान दिलं आहे, बहुत अच्छे से दिया गया है कि ये जो ना आपण सारे ये जो बच्चों के लिए ही एकदम मजेदार ऐसे नाटिका है एक्चुअली एक प्रकार की, बराबर है, उसको ऑपेरा बोलते नाटक बोलते, आपण त्याला ना एकांकिका म्हणतो, क्या छोटीशी नाटिका काय म्हटलंय बघा। शरीररूपी राज्यातील सर्व इंद्रिय परस्परांना अनुकूल व महत्त्वाचे असतात। देखो शरीररूपी राज्यातील आपलं एक शरीर हे पण एक राज्य आहे, बरोबर की नाही, आणि ह्या राज्यातील आता इथं राज्य म्हणून उल्लेख केला आहे, बरोबर की नाही, मतलब शरीर हे बी काय आहे ना एक राज्य, जैसे महाराष्ट्र राज्य वैसे वो शरीर भी एक राज्य है, और उसके सब इंद्रिय परस्परांना अनुकूल, मतलब सब इंद्रिय कान नाक डोळे है ना जीभ हाथ पाँव ये इनका सब सबका एक दूसरे के ऐसे क्या क्या है नाता है ना, मग म्हटलंय की सर्वांना एकोप्याने राहून परस्परांची काळजी घेतली तर आरोग्य उत्तम राहते, मतलब ये एक दूसरे से अगर गुस्सा नहीं हुए, एक दूसरे के साथ अगर झगड़ा नहीं किया, सब लोग एक साथ मिलजुल के रहे तो अपना जो आरोग्य अपना जो है ना हेल्थ है वो सुधारने में बहुत हेल्प होने वाली है। हे या नाटिकेतून सहज सोप्या शब्दातून लेखिकेने पटवून दिले आहे, और यही इस नाटिका से लेखिके को बताना है कि अगर ये लोग सब प्यार से है ना, ॲक्च्युली आपला कर्म किती इंद्रिय असतात तर 10 असतात लक्षात घ्या, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय, बरोबर आहे। आप छोटे बच्चे हो, 9-10 में आपको इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी सुनो है ना, रंग रूप स्पर्श गंध और रस और अंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ऐसे पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, बरोबर ऐसे 10 इंद्रिय हम लोग की रहती है, लेकिन यहाँ पे सब के बारे में दिया गया है, जीभ से लेके है ना सब सब इम्पॉर्टेंट है, मुँह है ना जीभ थोड़ा ज़्यादा इंद्रियन के बारे में बताया गया है। तो इथे सांगितलं की पर्यायाने कुटुंब परिसर देश यांच्यासाठी ही प्रतिनिधिक स्वरूपातील हा पाठ एकात्मतेचा संदेश देतो। प्रस्तुत पाठ सप्तरंगी नाटिका या पुस्तकातून घेतलेला आहे। मग सप्तरंगी नाटिका एक बड़ा बुक्स है, उसमें ये छोटा सा पाठ लिया हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि कुटुंब है ना परिवार परिसर और देश इनके लिए भी है ना एक प्रातिनिधिक एकात्मिता मतलब एकात्मते का भी संदेश यहाँ पे दिया गया है इस पाठ में। देखो अभी क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। श्यामराव या राम राव, आज स्वारी कशी आली इकडे है ना, नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात, काम तर काय काढलंय की सहज फेरी, देखो कितना है ना मस्त मजेशीर बताया, और ये ऐसे ही बोलने का रहता है टोन में, अलग ही टोन में। अगर हम लोग का स्कूल चालू रहता, देखो ऑफलाइन रहता तो मैं एक एक को रीड करने के लिए देता था हाँ, और सब लोग एकदम है ना उस टोन में बोलते थे एक दूसरे को, कोई बात नहीं चलो आएगा वो भी दिन आएगा
है ना। सॉरी म्हणजे फिरणारा माणूस, अ पर्सन, त्याला सॉरी म्हणतात। ॲक्च्युली सॉरी किसको बोलते बताय, सॉरी अलग और सॉरी अलग है। सॉरी मतलब है ना मुझे क्षमा करो, और सॉरी सॉरी मतलब क्या बताए, पूर्वी ना श्री कृष्ण सॉरी है ना, भगवान को सॉरी बोलते हैं एक्चुअली। हाँ भगवान जो रहते हैं उनको सॉरी बोलते थे। क्या सॉरी किधर जा रही है आज, हम लोग को भी कभी 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 पेरेंट्स को बोलते हैं क्या सॉरी, क्या पढ़ाई नहीं करना है लगता है, सॉरी बाहर जा रही है लगता है, ऐसा है ना सॉर होना उसके ऊपर ऐसे बोलते हैं। इसलिए राम राव है ना, देखो राम राव श्याम राव राम राम को राम राव को बोल रहे हैं आज सॉरी कैसे आ रही इकड़े, मतलब यहाँ पे क्यों आए, नाशिक छोड़ून है ना। नाशिक ये क्या है, उत्तर महाराष्ट्र जिल्ह्याचं एक ठिकाण आहे, अ डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ऑफ महाराष्ट्र। तो नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात, काम तरी काय आकाडलंय, और काम क्या निकाला है आज आपने, कि सहज फेरी या फिर ऐसी फेरी यानी हिंडने, अ ट्रिप विजिट, ऐसी आप राउंड मार रहे हो, राम राव बोलता था। अरे अरे एका दमात किती प्रश्न विचारता रहा श्यामराव, देखो एक ही इसमें कितना क्वेश्चन पूछ रहे हो आप है ना। थोड़ा सा सांस तो ले लो, सध्या फिरस्तीची ड्यूटी आहे ना, काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं। वे देखो वो क्या बोल रहे, अभी सध्या फिरस्तीची है ना ड्यूटी आहे, मतलब यहाँ पे वहाँ पे फिरस्ती यानी फिरने है ना, ट्रैवलिंग हाँ, और एका दमात मतलब एका श्वासात इन द वन है ना, इन वन ब्रेथ, कि अभी यहाँ पे घूमने का मेरा काम है, धंधा है, वही उद्योग है ना, तो काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं, मतलब पेट के लिए मुझे घूमना पड़ता है। फुड़े अभी देखो सब सब लोग जैसे काम करते हैं ना पेट के लिए, आज देखो लॉकडाउन में, लेकिन कितना भी लॉकडाउन हो, कितना भी पापा का जॉब नहीं हो, जो भी है, लेकिन भगवान ने दो टाइम का हम लोग को खाना दिया है, दोपहर का और रात का, देखो इसलिए उस भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, जो भी है जिसको मानते हैं, उसका हम लोग को क्या करना चाहिए, थैंक बोलना चाहिए उसको है ना, प्रे करना चाहिए उसको है ना, थैंकफुल रहना चाहिए। श्याम राव असं असं चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करू है ना। उन्होंने बोला चलो फिर ऐसा है तर है ना, तो ऐसा है तो हम लोग जाके पोटोबा, पोटो मतलब पोट का, पेट का, हम लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं। राम राव चला चला कामाचं बघू नंतर, आधी पोटोबा मग विठोबा, ऐसे बोलते ना हम लोग मराठी में, एक ऐसा मन है कि आधी पोटोबा मतलब आधी पेट का, फिर में विठोबा, विठोबा मतलब भगवान का बाद में देखते, पहला पहला पेट पूजा फिर देव पूजा, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही बोल रहे हैं। दोघेही जातात, नासिका मतलब नाक, देखो अभी अलग अलग नाम रखा है, नाक का नासिका नाम रखा है, कर्णिका मतलब कान है ना अपने कान, नयन कुमार मतलब डोळे आँख, जीवाताई मतलब जीव है ना टंग, हस्तकराज मतलब हाथ, पदकुमार मतलब पाय, इत्यादि अवयवांचा गमतीदार संवाद सुरू होता है। अभी स्टार्टिंग में पहली कान आ गया, देखो सबसे पहला श्रवण इम्पॉर्टेंट है, सुनना, हम लोग भी बचपन में जन्म लिया तो पहला सुनने का काम किया है ना, सुनने के बाद हम लोग बोलना सीख गए कि आई बाबा, तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी आज भी अभी क्या कर रहे हो, ऑनलाइन में आप लेक्चर सुन रहे हो, ये लेक्चर सुनना है ना, जो भी है सत्संग में प्रवचन सुनना बहुत बड़ी बात रहती है, मम्मी पापा का सुनना, इसलिए पहले सुनने का, इसलिए करने का पहले आएगी। देखो कान क्या बोलते बघा, काय का जी बात आई, नेहमी तू बडबडत असतेस, नी आज गप्प गप्प का, एवढी उदास का बरे झाली आहेस। देखो उसने डायरेक्ट करने का मतलब कान ने पूछा है, जीवाताई मतलब जीभ को, टंग को पूछा, काय का जीवाताई, नेहमी तू मतलब हर बार तू बड़बड़ बड़बड़ करती है, बहुत बात करती है, और आज इतना शांत शांत क्यों है, गप गप यानी शांत है ना, चुप क्यों है। हाँ देखो ईयर बोल रहे हैं किसको, जीवा यानी टंग को। तो उसके बाद देखो उदास मतलब कि नारा नारा सैड अपसेट, ये मैं सब शब्द दूंगा टेंशन मत लेना। फिर बोला एवड़ी उदास का बर दिया, उदास मतलब इतना सैड क्यों है, अपसेट क्यों है, झाली आज जीवाताई है ना, काय सांगते बघा, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवैयाची मोठी चीड यायला लागली आहे। देखो अभी जीवाताई टंग बोल रही है, काय सांगू बाई, क्या बताओ तुझे, मला इस मेरे को इस पोटोबा, पोटो यानी पोट पेट की, पेट का जो खवैया, खवैया यानी खाने वाला, खानारा है ना, फुड़ी अफुड़ी हाँ, खवैयाची मोठी चीड यायला लागली आहे, बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़ यानी गुस्सा संताप है ना, यायला लागली आहे। कर्णिका अनतीग का, अभी कर्णिका बोल रही है उसको है ना, कान बोलतो का आला तुला असा गुस्सा क्यों आ रहा है उसका, जीवाताई बोलती है, देखो फिर से टंग बोलती है, का म्हणून काय विचारतेस, आता मधाशी रामरावाचं श्यामरावाचं बोलणं ऐकलंस तू, मतलब मगाशी जो बीच में अभी इसके पहले जो रामराव और श्यामराव जो बात कर रहे हो, तो वो सुना आप, तूने पोटासाठी वणवण हिंडावं लागतं त्यांना, मतलब पेट के लिए उनको ह्या उदा ढूंढ भागना पड़ता है, बरोबर ना। कोणाही माणसाला है ना विचारा, सारी धड़पड़ कशासाठी, तर पोटासाठी, किसी आदमी को भी पूछो
अगर इतना सुबह से देखो, अभी भगवान ने कैसे दिया है ना, हम लोग को पेट दिया है। अगर पेट नहीं रहता तो हर कुछ खाना अगर अपने थाली में आता तो कोई काम ही नहीं करता था, कोई जॉब ही नहीं करता, और ये चलता भी नहीं था फिर, है ना। उन्होंने सांगितलं की पोटासाठी वनवन हिंडावं लागतं त्यांना, कोणाही माणसाला विचारा, सब जो भागम दौडे भाग दौडे हे पेट के लिए, आणि त्या पोटोबामुळे आपली फरफट होते, और उसके लिए हम लोग की फरफट होती है ना। मतलब हम लोग है ना, फरफट होने म्हणजे क्या है ना, गैरसोय होने, टू गेट ट्रबल्ड है ना, और हैरेस्ड, मतलब हम लोग की फरफट हो रही है उसमें, हम लोग भी है ना घिस रहे उसमें, कि उनको तो बेचारे आदमी लोग को है ना, सब मानव लोग को क्या होता है, यहाँ से वहाँ से पेट के लिए भागना पड़ता है। लेकिन देखो भगवान ने कैसे बनाया, अगर पेट है वही तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वही तो हम लोग जा रहे हैं, इसलिए ये चक्र सृष्टि का सब चल रहा है। अगर पेट ही नहीं रहता तो कोई भी काम नहीं करता था, कोई भी खेती नहीं करता था है ना, कोई जॉब पे नहीं जाता था, कोई स्कूल भी नहीं जाता था। स्कूल क्यों जाना है, जॉब मिलने के लिए, अच्छा है ना। और जॉब फिर पेट अगर अच्छे से आराम से भर रहा है तो जॉब क्यों क्यों जाएगा। बहुत बहुत सुंदर लेसन है ये, आगे अभी नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखने वाले। फर्स्ट पेज समझ में आया सबको, अगर कुछ भी डाउट है कुछ भी है तो बिंदास पूछने का, और अभी से बता रहा हूँ जो मैं नोट्स भेजूंगा उसमें शब्दार्थ टीपा बराबर वाक्य प्रचार व त्याचा अर्थ ये तो कंपलसरी लिखना है बराबर, इसलिए तो दिया जाता है। और जो स्वाध्याय है ना वो फुल्ली किया हुआ स्टार किया हुआ लिखना है खाली, लेकिन एक्स्ट्रा भी जो कृति है वो भी आपको ध्यान में और लर्न करना चाहिए, क्योंकि वो भी आ सकता है एग्ज़ाम में भी, और मैं भी दे सकता हूँ। और स्वमत भी वैसा ही करना है, जो बघा मागच्या पेजवर होता पुढच्या पेजवर दहाव्या, शिवाय मान सन्मान तो सगळा त्याला, परवा तर त्याचं माझं भांडणच झालं। बघा सरसर सांगितलं की है ना, सब मान सन्मान, मतलब जो उनको ही सब क्या बोलता है ना, मान सन्मान मिलता है किसको, पेट को ही है ना, और मेरा उससे झगड़ा भी हो गया है ना, माझं भांडण भांडण पण झालं परवा, परवा मतलब डे बिफोर येस्टरडे। कर्णिका कशावरून ग, कान विचारते कशावरून, जीवाताई बोलते देखो, अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायचं, खायची सक्ती असते माझ्यावर, मतलब दरवेळी हर टाइम, देखो कितना गमतीशीर है, कितना मजेशीर ये लेसन है, ओके अच्छे से सुनो, मतलब हर टाइम वो जो बोलता है ना उतना ही मुझे खाना है बराबर है। हाँ सक्ती मतलब है ना जबरदस्ती है ना, कंपलसरी म्हणतो किंवा मेरे को वो जो बोलेगा ना उतना ही खाना है जितना उसको चाहिए। एखाद्या वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्ला की झालं याचं गुरगुरणं सुरू, वैताग नुसता, मतलब देखो है ना गुरगुरणं मतलब है ना, आपण म्हणतो ना की पेट में हम लोग को गडबड होता है कभी कभी, देखो कुछ भी हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब होता है कभी कभी, या फिर पेट मतलब ज़्यादा होता है डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वैसा बोल रहा है कि इसका गुरगुरना मतलब वैताग नुस्ता, मतलब वैताग यानी त्रास, चिड़चिड़ है ना, इरिटेशन हो रहा है मुझे कि इसको, अगर मेरे को जो अच्छा लग रहा है मतलब मुंह को या फिर जीभ को टंग को, तो अगर रसना है ना वो टेस्ट है ना, उसको अगर टेस्ट अच्छा लगा तो हम कुछ ना कुछ खाते एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा खाने के बाद इसका पेट मतलब पेट को फिर नहीं चाहिए, वो गड़बड़ उसका शुरू होता है, उसका इरिटेशन शुरू होता है। कर्णिका खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात। देखो अभी कर्णिका बोल रही है ना, कान बोल रहे कि सही बोल रहे तुम, ये नुसता ना बैठ के खाता है बस, उसको कुछ काम नहीं है, नुसतं बसून खातात, आपल्यासारखं काही काम करत नाही, तर मतलब हम लोग की तरह कुछ काम नहीं करते, हां की काही नाही आहे, कुछ नहीं करते। ही आलीस बघ नासिका, काय ग नासिके, तुला काय वाटतं अभी नासिका, मतलब नाक आ गया देखो है ना, कि तुझे क्या लगता है ये पेट के हम लोग जो बात करें उसके बारे में, अभी नासिका कुछ पता नहीं इसलिए वो पूछ रही है। नासिका कशाबद्दल, किसके बारे में बोल रहे हो। कर्णिका अगर ही बड़बड़ी पोटोबाबद्दल तकरार करते हैं, बड़बड़ी मतलब जीभ है ना, देखो कितना बात करती है हम लोग का मुंह देखो, इसलिए कोरोना का काल में समझ में आया ना, दो कान दो नाक दो डोड़े सब सब दो दो दिया है, देखो हाथ पैर दो दो दिया है लेकिन मुंह एक ही दिया है, क्यों कम बात करो, उसके ऊपर भी अभी मास्क लगाया है ना, ये सब हम लोग का ही कर्म का फल है ना, हम लोग ने जैसे रहा निसर्गों को जो गंदा रह के किधर भी थूक के ये सब किया, उसकी वजह से ये सब रोग भी साथ आ रहा है, इसको कलियुग बोलते हैं, कलि ये राक्षस है, और राक्षस मतलब दूसरा कुछ नहीं है, राक्षस मतलब रोग राई, वही तो है कलियुग में। तो देखो ना यहाँ के यहाँ पे क्या बोला है, तो ऊपर से मास्क को ना बड़बड़ी मतलब हम लोग कितना बात करते हैं, ज़्यादातर पुण्य ही हम लोग के लिए मुँह से ही जाते हैं, क्योंकि मुँह देखो कैसे है माइनस है राइट ना, प्लस नहीं है माइनस है देखो, और माइनस ही ज़्यादा हम लोग की पुण्य ही माइनस हो रही है देखो,
अभी बहुत सारा है थोड़ा बहुत पाप पुण्य के बारे में। मैं जितना आपको लैंग्वेज स्टडी, इसलिए ये सब अच्छी अच्छी बातें बच्चों में बता सकता हूँ उतना मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि देखो, आपल्या सारखं काही काम करत नाही आहे ना नासिका, तो कशाबद्दल, किसके बारे में बात करू, उसको तो कुछ पता नहीं है। नासिका बोलते अगर ही बड़बड़ी फोटोबद्दल तकरार करते हैं, मतलब फोटो मतलब पेट के बारे में ये तकरार कर रही है ना, कंप्लेंट कर रही है कि बड़बड़ी मतलब जीभ। तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाहीत, इसका ये बोलना है ना, ये ओपिनियन है कि जो ना कंप्लेंट है कि पोटोबा कुछ काम नहीं करता है, वो बैठ के खाली खाता है ना नासिका। मग त्यात खोटं ते काय है, उसमें झूठा क्या है, सही तो बोल रही हो है ना, माझंच बघ ना। अभी वो बोल रही है खुद का नासिका, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं काम है, सतत चालू असतं। देखो अभी हम लोग सांस लेने का काम कौन कर रहे हैं, नाक कर रहे हैं, बोलो ना। लेकिन एक्चुअली देखो, आज सांस लेने की भी हम लोग मोकळा श्वास घेऊ शकत नाहीत आपण, बरोबर की नाही। हां, आपल्याला मोकळा श्वास घ्यायचा असेल तर आज सर्वांनी बघा, 8C 8A 8B सगळे मला ऐकतायत, म्हणून सगळ्यांनी आपण देवाजवळ रोज प्रार्थना करूया, बरोबर की नाही, की देवा भगवंता अल्लाह है ना गॉड जो कोण असेल, त्या सर्वांनी काय करा, हा जो कोरोना आहे हा लवकरात लवकर, काही सगळी रोगराई आहे लवकरात लवकर नष्ट होऊन दे, पूर्ण विश्वाला पूर्ण एकदा मोकळा श्वास मिळून दे, माझे आई बाबा पुन्हा एकदा है ना चिंतेपासून दूर होऊन, जे काही जॉब नोकरी धंदा आहे तो पुन्हा करायला स्टार्ट होऊन देत है ना, आम्हाला पण पुढचं भविष्य घडवण्यासाठी तू काय कर, मदत कर। आणि आम्हाला परत एकदा स्कूलची सुट्टी बस झाली आहे ना शाळेला, बघा आज एज्युकेशन कोई ज्यादा क्या बोलते, ज़्यादा तक डाउन मार्केट में अगर कुछ रहेगा फिर इज्जत नहीं रहेगी, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ एक टीचर्स नाते से, तो वही है बाकी है ना। देखो ना, सबसे बड़ा नुकसान एजुकेशन है, जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ कि आज सब कुछ सब चालू है, लेकिन जिसकी वजह से चालू है वो खाली एजुकेशन बंद है, मतलब आज एजुकेशन नहीं है तो देखो ना, आज व्यवहार किससे आया है ना, जो आज वाणी है या फिर कौन सा भी बिजनेस है, दुकान वाले जो जॉब कर रहे हैं वो किसकी वजह से जॉब कर रहे हैं, एजुकेशन की वजह से, बराबर ना। और लेकिन एजुकेशन, ये राजकारणी बिचकारनी सब पॉलिटिशियन, लेकिन देखो ना एजुकेशन ही आज बंद रखा है, बराबर कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन में कोरोना है, लेकिन बाकी गार्डन में खेलने के लिए, बिल्डिंग के नीचे, इस ट्रेन में इतना बड़ा बड़ा इधर कहाँ पे भी नहीं है। इसलिए है ना, आपको सबको स्ट्रांग रहना है और पढ़ाई अच्छे से करके कुछ करके दिखाना है। इसलिए बोले देखो कि पोटोपा कौवे काहीच काम करत नाही है ना, तो इसलिए नासिका बोली कि उसमें गलत क्या है, सही तो बोल रहे हैं, मेरा ही देखो ना, मैं रोज श्वास लेने का ना सांस लेने का काम करती हूँ, रात रात दिन वास घेण्याचंही ज़्यादा काम मी करते, आणि स्मेल लेने का भी एक्स्ट्रा काम मैं उसमें करती हूँ, पण हे पोटोबा बघ मात्र ना और रुका है, मतलब ये पोटोबा तो देखो कुछ काम के नहीं है, कुछ काम नहीं करते। देखो सांस लेने का भी है ना, अभी तो सांस लेने का मतलब ऑक्सीजन लेने का भी हम लोग पैसा भर रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलने के लिए बहुत है, मैं एक्सप्लेन मतलब एक वर्ड के लिए, मैं वर्ड के ऊपर मैं एक एक घंटा दो दो घंटा पूरा दिन पर बोल सकता हूँ, लेकिन हम लोग को टाइम लिमिट है ना, और ये ऐसा रिकॉर्डिंग लेक्चर में तो बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। थोड़े हस्तक राज, अभी हाथ आ गया, ठीक है, हस्तक राज मतलब हाथ, काहीच काम करत नाही, मतलब खुद खुद सुन के आ रहे हो। पद कुमार, देखो पाय भी आ गया, उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, शिवाय जो गुरगुरतो मतलब गुस्सा करता है सबके ऊपर है ना, क्या अपना अपना ये दिखाता है, क्या पावर दिखाता है ना गुरगुरतो। कशासाठी, शिवाय जो उठतो तो कशासाठी, मतलब शिवाय जो हर कोई उठता है सुबह सुबह, किस लिए, पोटासाठी है ना, पेट के लिए उठता है, म्हणत आम्हाला राबून घेतो, ऐसे बोल के हम लोग को क्या करता है, मेहनत करके लेता है हम लोग से। नयन कुमार, और अभी आखिर देखो, मी सुद्धा हेच म्हणतो आहे, अभी मैं भी यही बोल रहा हूँ है ना, अभी आखे भी आ गए, मी नेहमी बघण्याचं काम करतो, झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो तो मीच, मी नसतो तर। देखो वो भी बोल रहा है, अभी मी पण अहंकार आ गया सबके पास, देखो खुद बोल रहा है कि मेरी वजह से सब हो रहा है, मेरी वजह से सब हो रहा है। हाँ तो नयन कुमार आखे क्या बोलते हैं, देखो मी सुद्धा हेच म्हणतो आहे, मी नेहमी बघण्याचं काम मतलब देखने का काम मैं हर रोज करता हूँ, झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो, अगर हो गया तो मैं है ना मनुष्य के सौंदर्य सौंदर्याने दिखने में है ना भर डाल, मतलब अभी आंखें अच्छी है जिसकी, देखो तो उसको चेहरा भी उसका कितना सुंदर होता है और सब सौंदर्य भी दिखता है उसको, सौंदर्यात भर घाल तो मीस मीन असतो तर, अगर मैं नहीं रहता तो। कर्णिका, कान भी बोलते, देखो पूरे तुझा लेक्चर बस तेरा लेक्चर हो गया स्टॉप, अभी उसको ही बोल रहे हैं, मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करते म्हटलं, माझ्याशिवाय तर, अभी सबके पास अहंकार आ गया, देखो
इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपको ये ज्ञानेंद्रिय कितने समझ में आ रहे नहीं पता बच्चों, लेकिन सुनो, अंतकरण मतलब पहला, सबसे पहला सब्जेक्ट है ना विचार, अंतकरण में आता है, बराबर है। अंतकरण लाइक देखो, कल मराठी लेक्चर है तो अंतकरण में विचार आया संडे को, अब मंडे को मराठी लेक्चर है। अंतकरण मन के पास लेके गया कि मन देख, है ना, सबसे डेंजर तो मन रहता है, जितना अच्छा रहता है उतना सबसे डेंजर भी रहता है, सबसे मैं तो बोलता हूँ डेंजर ही रहता है, उसको कंट्रोल में किसी को भी नहीं लाया आज तक, है ना। आप भी देखो, अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो बीच में किधर खो भी सकते हो, आप खो भी सकते हो, शरीर से इधर ही हो लेकिन मन से कहाँ भी जाके आ सकते हो, बराबर ना। फिर हम लोग को लगता है अरे मैंने तो सुना ही नहीं, पीछे जाता हूँ, ये मन बहुत डेंजर है ना, मन जैसा स्पीड किसी को नहीं है। अंतकरण मन के पास जाता है वो विचार, मन बुद्धि के पास भेजती है, बुद्धि चित्त के पास, तो फिर चिंता करने लगते हैं, बुद्धि सोचने लगती है हाँ चलो मेरे को ध्यान में रखना है, फिर चिंता चिंतन करते लगती है कि हाँ कल मराठी लेक्चर है, कल मराठी लेक्चर है, फिर चिंता के बाद हम लोग लेक्चर लेते हैं, लेक्चर अटेंड करने के बाद हम लोग के पास अहंकार आता है, लास्ट में अहंकार। अंतकरण देखो, मन, बुद्धि, चित्त, चित्त यानी चिंता, चिंतन करते हैं और फिर अहंकार, अहंकार आता है हाँ मैंने लेक्चर अटेंड किया, है ना, मैं उठा इसलिए लेक्चर अटेंड हुआ, ऐसे ये सब चलता ही रहता है, बरो ना। मैं मीन अस्तोतर नयन कुमार भी बोलने लगता है देखो, है ना, अभी यहाँ तक हम लोग आया है, सब लोग ध्यान में रखो ठीक है। मी सुद्धा हेच म्हणतो आहे की मी नेहमी बघण्याचं काम करतो, सौंदर्यात भर घालतो, आणि मी नसतो तर देख भी नाही सकते थे हम लोग। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। ओके, गुड, टेक केअर, बाय।